नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्यन कुशवाहा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे टेक्निक के बारे में बताने जा रहा हूँ, आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने घरों में आप इसको प्रयोग करिए, बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फंगीसाइड की। आप अपने घर पे फंगीसाइड बनाइए और बनाने के बाद इस्तेमाल करिए, और उसमें कौन कौन सा आपको मटेरियल लेना है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो मटेरियल उसमें आपको लेना है, दालचीनी। ये आप देख रहे हैं, दालचीनी देख रहे हैं, ये आपको लेना है दालचीनी। और दालचीनी जो मसाला में इस्तेमाल होता है, ये बहुत ही बेहतरीन पौधे के ऊपर भी इसका वर्क होता है। जैसे इसका क्या है कि रूटिंग हार्मोन की जगह भी बहुत बढ़िया इसका इस्तेमाल होता है। या कोई पेड़ को कटिंग करते हैं, या कोई पौधा जिसे कटिंग करने के बाद लगा देते हैं, जो उसका ऊपरी हिस्सा होता है उसके ऊपर भी इसको लगाते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है। ये कवकनाशी के रूप में भी बहुत बेहतरीन काम करता है। दूसरा जो इसमें लेना है आपको, लौंग। लौंग दोस्तों आप जानते हैं, ये बॉडी के बहुत ही कार में काम करता है, और उसके साथ साथ प्लांट में भी बहुत बेहतरीन काम करता है। दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ, आर्यन कुशवाहा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। उसके बाद जो तीसरा प्रोडक्ट है, हल्दी। तीसरा इसमें हल्दी आपको लेना है। और हल्दी आप दोस्तों जानते हैं कि बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, और इतना बढ़िया ये काम करता है शरीर के ऊपर, शरीर के साथ साथ ये पौधे के ऊपर भी बहुत बढ़िया काम करता है। उसके बाद आपको जो चौथा लेना है, ये लकड़ी का कोयला है। उसको मैंने इसको मिक्स कर लिया हुआ है ताकि इसको बारीक से पीसने में आसानी हो। ये लकड़ी का आपको लेना है कोयला, और ये आप जानते हैं कि लकड़ी का कोयला राख कितना बढ़िया काम करता है पत्ते के ऊपर। और इन चारों को मिला के हम बनाएंगे फंगीसाइड, और ये नेचुरल फंगीसाइड है, और इस नेचुरल फंगीसाइड का आप इस्तेमाल करेंगे उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, तो आपको बहुत बेहतरीन आपको एक विश्वास होगा कि नहीं बहुत बढ़िया फंगीसाइड है। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर फंगीसाइड, हम ऑर्गेनिक फंगीसाइड का इस्तेमाल कैसे करें, या खुद हम फंगीसाइड बना के उसको कैसे हम इस्तेमाल करें, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मैं मार्केट से एक भी प्रोडक्ट परचेज करना नहीं चाहता हूँ, मैं टोटली फुल ऑर्गेनिक मुझे करना है। तो ऐसा आप मुझे सलूशन दीजिए ताकि हर एक चीज़ मैं खुद घर बना के उसको इस्तेमाल करके उसके बाद हम अपने खेतों में उसको प्रयोग करें। तो दोस्तों ये चार चीज़ हो गया, दालचीनी, लौंग, हल्दी, और चौथा लकड़ी का कोयला, या उसको राख कह सकते हैं। तो चारों को मिक्स करके कर दे रहे हैं आपको, जैसे देखिए ये दालचीनी है, इसमें लौंग को मैं डाल दे रहा हूँ, देखिए लौंग को मैंने डाल दिया, और उसके बाद ये जो राख है, राख को भी इसमें डाल देना आपको। उसके बाद आपको डालना है हल्दी। दोस्तों मैंने कुछ प्लांट का ये बना रहा हूँ आपको, ये चारा प्रोडक्ट इसमें मैंने एक पॉट में मिला दिया। अब इसको करना क्या है, इसको आपको बारीक से पीसना है। बारीक से पीस लेते हैं, तो आप इसको किसी भी माध्यम से आप इसको बारीक कर लीजिए। मैं इसको मिक्सी में डाल दे रहा हूँ, और इसको हम पीस लेते हैं। पीसने के बाद आपको बताते हैं कैसे इसको इस्तेमाल करना है। दोस्तों मैंने इसको बारीक से पीस लिया, देख सकते हैं आप इसको, और जितना बारीक से पीसेंगे उतना आपके लिए बहुत ही फ़ायदा रहेगा, क्योंकि इस्तेमाल करने में आपको आसानी होगी। और इसको हम निकाल लेते हैं किसी बर्तन में, और निकालने के बाद आपको हम इस्तेमाल करना बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों कितनी बारीकी तरीके से ये बन चुका है, और आपका फफूंदनाशक बन के ये रेडी है। अब करना क्या है आपको,
आपको करना है कोई पतला सा कपड़ा ले लीजिए ताकि कपड़े में ये नीचे से झल सके, और उसके साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लिक्विड में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं घोल के, लेकिन अगर ये बारीक आप इसको नहीं पीसेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी मशीन में जो नोजल होता है नोजल में फंसने की संभावना है, इसलिए इसको बारीक पीस के आप स्प्रे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर स्प्रे नहीं कर सकते हैं आप तो जिस तरीके में बता रहा हूँ आपको उस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करिए। तो देखिए, एक मैंने पतला सा कपड़ा ले रखा है। अब इस कपड़े में आपको करना क्या है, इसको मैं यहाँ से डाल दे रहे हैं, और डालने के बाद इस तरीके से आप पकड़ सकते हैं, और पकड़ के आप प्लांट पे इसको आप दे दीजिए। और मैं आपको देने का तरीका आपको बता रहे हैं देना कैसे है। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपसे बात कर दूं कि ये जो झुलसा से आप परेशान रहते हैं, कुछ घरों में जो गमले में लोग प्लांट लगाते हैं, किचन गार्डनिंग करते हैं, उसमें होता है क्या है कि लोग कहते हैं कि मार्केट से मैं दवा लेकर आऊँगा तो बड़ी फाइलें मिलती हैं, छोटी फाइलें नहीं मिलती हैं, उतना महंगा मैं दवा नहीं लेके आ पाएंगे। तो मैं जो बताया हूँ आपको फफूंदनाशक, इस तरीके से फंगिसाइड को बनाइए, और बनाने के बाद आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में बना के अपने घरों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जान लीजिए जो फंगस है, फंगस को बिल्कुल ख़त्म कर देगा पत्ते के ऊपर। जो पत्तियाँ जलने लगती है उस पर इसको आप छिड़क दीजिए, जो जलने की संभावना बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। और इसको आप हर 15 दिन पर एक बार इसको आप डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपको हम दिखाते हैं इसको कैसे हम पत्ते पे स्प्रे करते हैं, या कैसे पत्ते पे कपड़ों के सहारे हम इसको डालते हैं। दोस्तों, आर्यन कुशवाहा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। दोस्तों, आपको दिखाते हैं। दोस्तों देखिए, जैसे ये मैंने ले रखा है, और लेने के बाद इसको आपको स्प्रे करना है, इस पे डाल देना है। देखिए, जैसे दिख रहा है आपको, आप जूम करेंगे तो समझ में आपको आएगा कि पड़ रहा है। और ये जो मैंने अदरक का ये प्लांट है, मैं ये अदरक पे इसको डाल रहा हूँ, और बहुत ही बढ़िया काम करेगा। जितनी पत्तियाँ जल रही है सारे पत्तियाँ ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगी। आप देख सकते हैं, जैसे देखिए ये जो पत्तियाँ हैं, ये जो पत्तियाँ ये जला हुआ है, थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा दीजिए, जो पत्तियाँ जला हुआ है, और इस पर आप डाल देंगे तो पूर्ण रूप से ये बिल्कुल पत्तियाँ स्वस्थ हो जाएगी। तो इसको हम डाल देते हैं। देखिए, तरीका डालने का आपका यही है, इसी तरीके से आप इसको अपने प्लांट पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद दूसरा तरीका है कि इसको आप रूटिंग हार्मोन में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें चार चीज़ मिल गया है। एक तो मिल गया दालचीनी, लौंग, हल्दी और लकड़ी का कोयला, तो चार चीज़ मिल गया तो और ये स्ट्रांग बन गया है। तो इसको आप रूटिंग हार्मोन की जगह इस्तेमाल करिए। जो इसकी जड़ होती है, कोई भी कलम करते हैं, या गुलाब हो गया, अमरूद हो गया, कड़ी पत्ता हो गया, नींबू हो गया, किसी भी प्लांट को कलम करते हैं आप, तो रूटिंग हार्मोन ना इस्तेमाल करके इसका इस्तेमाल करिए, आपका बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। उसके बाद कुछ जो पौधे होते हैं जिसका कलम कर देते हैं, कलम करने के बाद जो उसकी ऊपरी सतह होती है उसमें से लोग सोचते हैं कि जितना जल्दी से उसमें ऊपर से कल्ले निकले, तो कल्ले निकलने के लिए होता है क्या है कि जब कलम करते हैं तो कलम करने के बाद बहुत टाइम लग जाता है जिसमें कल्ले नहीं आते हैं। तो आपको करना क्या है कि किसी भी प्लांट का अगर हम कलम करते हैं तो कलम करने के बाद जो ऊपरी हिस्सा होता है इसको लेके उसी पे आपको ऊपर से केवल लेप लगा देना है। लेप लगा देंगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि बहुत जल्दी से वहाँ से तने निकलना शुरू हो जाएंगे, और आपके लिए बहुत ही ये फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आर्यन कुशवाहा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए। दोस्तों, आपसे मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। नमस्कार।